हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी टिपले। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन ओएसिस फर्टिलिटी। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पीसीओएस के बारे में डिटेल्स में बात की थी। पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड होना ये बहुत कॉमन होता है। वो वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि फीमेल्स को उनके पीरियड के बारे में डिटेल्स जानना है कि पीरियड्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। जनरली जो हमें पीरियड्स आते हैं वो 22 टू 35 डेज में कभी भी आ सकते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड 28 डेज साइकिल। यदि आपके किसी के पीरियड यदि 23 डेज में आ रहे हैं वो भी नॉर्मल है। किसी के पीरियड यदि 34 डेज के बाद आ रहे हैं वो भी उनके लिए नॉर्मल है। बट यदि आपके पीरियड 8-10 डेज के डिले में आ रहे हैं या साल में 2-3 बार मिस हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स को मिलना चाहिए और इरेगुलर पीरियड्स के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में। जनरली हमें जो मेंस्ट्रुएशन आते हैं उसके लिए बॉडी में 4 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फर्स्ट FSH, that is follicular stimulating hormone, LH, that is luteinizing hormone, estrogen and progesterone. हमारे ब्रेन में pituitary gland होती है। pituitary gland GnRH hormone secrete करती है। ये hormones हमारे ovary पे act होता है, उसके बाद ovaries hormone secrete करती है। Generally फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया इम्पॉर्टेंट होता है। जो फीमेल जिसमें फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट नॉर्मल है, उनके ब्रेन के हार्मोन्स, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोन्स प्रॉपरली सिक्रीट हो रहे हैं, उनको नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आते हैं। जब हमारे पीरियड का फर्स्ट डे रहता है उस दिन पिट्यूटरी ग्लैंड GnRH हार्मोन सिक्रीट करती है, उसकी वजह से ओवरी FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। FSH की वजह से ओवरी 1 या 2 फॉलिकल्स रिक्रूट करती है। जनरली 10-14 डेज में फॉलिकल्स की ग्रो हो जाती है। जब फॉलिकल्स लीडिंग फॉलिकल्स यानी 18-20 mm डायमीटर का हो जाता है तो फॉलिकल्स रप्चर होता है। बेसिकली जब फॉलिकल्स ग्रो होता है तो बॉडी में इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। जब इस्ट्रोजन हार्मोन क्रिटिकल लेवल क्रॉस करता है उस टाइम पे LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होने के बाद 24-48 आवर्स में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के बाद फॉलिकल्स में से एक बाहर आता है और यदि उस टाइम पे रिलेशन आए तो प्रेगनेंसी रह सकती है। LH जो फॉलिकल्स रप्चर होता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम में वो कन्वर्ट हो जाता है। रप्चर्ड फॉलिकल्स बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो हमारा यूटेरस है उसमें एंडोमेट्रियम रहता है उसकी लाइनिंग को ठीक बनाए, उसमें जो ग्लैंड्स रहते हैं उसको सिक्रेटरी बनाए। यदि प्रेगनेंसी रह जाती है तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स के वजह से जो सिक्रेटरी ग्लैंड रहती है उसकी वजह से प्रेगनेंसी के लिए इम्प्लांटेशन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती तो प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन जो हार्मोन्स बॉडी में सिक्रेटेड है उनका प्रोपोर्शन कम हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, जिसके वजह से हमारी जो एंडोमेट्रियम रहती है वो शेड हो जाती है। शेड होने के बाद वो बॉडी में से बाहर आती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। जो फीमेल नॉर्मल फीमेल में ये मेंस्ट्रुएशन 22-35 डेज में आ सकते हैं या ब्लीडिंग भी वेरी हो सकती है। किसी किसी को 2 दिन की ही ब्लीडिंग होती है, किसी को 5 डेज की ब्लीडिंग होती है, तो ये सब नॉर्मल हो सकता है। यदि आपके पीरियड 22 डेज के पहले आ रहे हैं या 35 डेज के बाद आ रहे हैं या एवरी पीरियड्स में 8 या 10 डेज का डिफरेंस आ रहा है,
या आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 6 to 7 पैड्स आपको डे में लेना पड़ रहा है जिसके वजह से आपका आपके बॉडी में खून की कमी हो रही है, या आपको बहुत ही ज्यादा पीरियड के टाइम पे पेन आ रहा है, तो आपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए टू फाइंड आउट द रीजन। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इरेगुलर पीरियड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं, उसके रीजन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।